chemical properties of ammonia. Good afternoon, sir. मैं यहाँ जो भी रिएक्शंस लिख रहा हूँ वो पूरा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जितना पढ़ा हुआ रिलेटेड अमोनिया से उन सबको लिख रहा हूँ, तो एक्सेप्शंस या जहां पे रिएक्शन नहीं होती उसे भी मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन ओनली विद लिथियम है, सेकंड रिएक्शन सोडियम टू सीजियम है, इन द सेकेंड ग्रुप ऑल एलिमेंट बेरिलियम टू बेरियम है, इन द थर्ड एलिमेंट ओनली बोरॉन एंड एल्यूमिनियम है, then CO2 है, it is at high pressure, that P stands for pressure, water है with HCl, with X2 है, is an excess, halogen excess में and I2 excess में, तो आप समझ पा रहे होंगे कि X2 में सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन आ रहा है। बट अगर आपका अमोनिया एक्सेस में है एंड ट्रीटिंग विद हैलोजन, दिस टाइम हैलोजन इज इन लिमिटेड फॉर्म, तो ऑल दीज रिएक्शंस आर विद अमोनिया। आपको पता है अमोनिया रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है? अमोनिया रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है? बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है अमोनिया, बहुत क्लियरली समझ लीजिए। और मैं आपको एक गंदा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छा तो नहीं दे पाऊंगा, गंदा एग्जाम्पल ये है कि अमोनिया किसी भी पब्लिक टॉयलेट के आसपास से आप निकलते हो स्मेल आती है, बहुत बहुत ज्यादा स्टिंक करता है, बट डजंट मीन कि लोग मर जा रहे हैं, मर तो नहीं रहे ना उसकी वजह से, तो वो कैसे हो सकता है? अगर भाई उसका इफेक्ट होता, रिएक्टिविटी होती तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो कंबाइन करता, एटमॉस्फेयर से कंबाइन करता, तो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, तो मतलब वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट टू नाइट्रोजन, मतलब यू नीड हाई टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, इवन इफ यू वांट टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन ना, देन ऑल्सो यू नीड हाई टेम्परेचर। मतलब ऑक्सीजन जैसे हम कंबस्टन रिएक्शन की बात करते हैं जो एक्टोथर्मिक होता है इन जनरल, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए भी आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन विद एक्वियस अमोनिया, तो मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा क्योंकि ये रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आप बिल्कुल भी साइड बाय साइड ना लिखें क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मैं तो इरेज करके काम चला लूंगा। एक्वेस अमोनिया और NH4OH, बोथ द थिंग्स आर सेम, मैं NH3Aqueous लिख रहा हूं या NH4OH लिख रहा हूं, वाटर का रोल सिर्फ बैलेंसिंग से रिलेटेड ही है। देन आफ्टर नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजीन, तो आप कॉपी एक साथ कर लीजिए, उसके बाद आप रिएक्शंस को ट्राई करिएगा। N2H4 हाइड्रोजन, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन पूछा बहुत जाता है, ये ज्यादा अजीब है, नहीं बोल सकते इसके बारे में कुछ भी, पर पूछते तो है। ग्लू की प्रेजेंस में रिएक्शन है, इट्स अ कलरलेस, ऑर्गेनिक में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, पंजेंट है, पॉइजनस है, सेलेबल है। आपसे इसका जेई ने एडवांस में पूछा था लोन पेयर्स के बारे में कि हाउ मेनी लोन पेयर्स इन हाइड्रोजन, तो लोगों को फॉर्मूला ही नहीं याद आता हाइड्रोजन का, तो लोन पेयर कैसे बताएंगे? अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो दो लोन पेयर है, भाई दो नाइट्रोजन है तो दो लोन पेयर होंगे। बाय नेचर क्योंकि ये बेसिक है तो केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है,
तो मैं आपको सारी रिएक्शन बताऊंगा, बट उससे पहले आप एक बार जो है ट्राई कर लीजिए। आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, पहले आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया ट्राई करिए। फर्स्ट कॉलम आ जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर मैं करता हूँ रिएक्शन। ओके
गाइस कॉपी कर लिया आपने क्वेश्चंस, रिएक्शन कॉपी हो गया सबका? यस। ठीक है, मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। ओके, थोड़ा शांत रहोगे तो आ जाएगा। चलो फर्स्ट केस में क्या बना, हाइड्रोजन के अलावा Li2 NH is it? Yes। सेकंड में सोडियम के केस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के अलावा अमाइड। बेरियम टू बेरियम क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। बोरॉन एमोनियम आल्सो फॉर्म नाइट्राइड। देन आफ्टर क्या दिया था, CO2। CO2 हाई प्रेशर के साथ क्या है, इट कंबाइंड टू फॉर्म इट्स रिएक्टिंग टू गिव यूरिया। हाई प्रेशर में रिएक्शन हो रही है। देन आफ्टर वाटर था विच गिव्स NH4 OH with HCl it gives ammonium chloride, right? Then after H2O excess, yeah, halogen agar excess mein hai to halogen shows halogenation, simple halogenation kya kare, sare hydrogen replace kar dete hain,
आयोडीन आल्सो गिव्स द सेम रिएक्शन, बट आयोडीन का रिएक्शन का एक प्रॉब्लम है, ये एडिशन प्रोडक्ट तो बनाता है बट हैलोजनेशन के साथ ये जो बनता है दिस इज एक्सप्लोसिव कंपाउंड। आपको याद आ रहा है आयोडाइड आपको लिखा था आईएन के तौर पर। इसके बाद आपको लास्ट रिएक्शन में हमने अमोनिया एक्सेस बोला है और हैलोजन, तो नॉर्मली हैलोजन तो हैलोजनेशन प्रॉब्लम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉब्लम। और आपको याद आ रहा हो तो हमने नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में रिएक्शन किया सेक्टर में, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में क्या हुआ है ऑक्सीडाइज कर देगा। सब्जेक्ट के लिए रिएक्शन है वहां पर एंड वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दी थी, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने पर इट गिव्स नो ओनली। नाइट्रोजन हो या अमोनिया हो मैंने भी कमाल टॉक्सिन और रिसीव नो क्लियर है। नेक्स्ट ये आप तो गैस के बाद एक्वस अमोनिया वाली रिएक्शन से देखिए विजिबल है ना प्रॉपर फॉर्म सीडी चल। देखिए रिएक्शन को याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने का मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थ्री कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो है ना, फर्स्ट थ्री कैटेगरी सॉरी फर्स्ट फोर कैटेगरी फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल। अब जब इनसॉल्युबल बोल रहे हैं तो आप एक बेसिक बात रखो, अगर दो सॉल्ट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं या एक सॉल्ट एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अप्लाई करते हैं आपके पास NH4OH है, डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड विद फेरिक हाइड्रोक्साइड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड इज इट मैच कर रहा होगा सब अब ये हमारे पास फोर हो गए इनसॉल्युबल। अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको रिएक्शन दी है रिएक्टेंट के बिना तो पूछते कौन सा इनसॉल्युबल है कौन सा सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सिर्फ और सिर्फ चार याद रखना है रेस्ट सॉल्युबल। जब हम सॉल्युबल बोलते हैं ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बट रिएक्शन करने का तरीका अभी भी वही है, पहला इसका डबल डिस्प्लेसमेंट आप कर दीजिए बट क्योंकि हम इसे सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा बट अगेन कंडीशन मैटर्स। आप सिर्फ इतना ही बनाएंगे अगर आपको सिर्फ इतना बोला है तो क्वेश्चन है आज की एक्सेस ऑफ एनएच4 हमने इसको ज्यादा डाला है दैट मींस फर्दर रिएक्शन करानी ये फर्दर। जब कभी भी सॉल्युबल बोलते हैं तो ऑलवेज लास्ट प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ शॉर्टकट, ऑलवेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। एक अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का तरीका हमने आपको शॉर्टकट बताया था कि टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करने से कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता, याद आ रहा है बहुत सिंपल। आपको वन स्टेप में प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा, कॉपर सल्फेट कितना है कॉपर लिखो सल्फेट लिखो अमोनिया लिखो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है टू, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर वहां का बोर्ड नहीं दिख रहा सर वो साइड वाला दिख ही नहीं रहा है साइड वाला दिख नहीं रहा है हाँ सर अभी सही। देखिए क्या किया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला फोर होगा, यही सॉल्ट के बीच में अमोनिया रख दिया और फोर टाइम्स कर दिया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है। अगेन बोल रहा हूँ ये ट्रिक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है ठीक है। इसका प्रोडक्ट भी आपको समझना है, सीडी लिखो अमोनिया फोर टाइम्स होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अब सिंपल देखिए वन है हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर
सबको क्लियर है? मर्करी की लास्ट रिएक्शन देखिए, इसको भी मैं आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। जब भी पूछा जाता है ना तो एक ही साथ में देते हैं दोनों को, तो कैसे याद रहेगा कि किसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है और किसका क्या कलर है। पहले तो ये देखिए, जिसमें दो मर्करी के आइटम्स है उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें एक है उसमें एक ही बनता है, और ये कॉमन भी होता है। मर्करी अमोनियम क्लोराइड इज बाइडिंग, और कोई भी मेटल, दुनिया का कोई भी मेटल आप एक्सट्रैक्ट करोगे रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा ऑलवेज ब्लैक एंड कलर। तो मर्करी का कलर क्या हो गया? ये ब्लैक, ये व्हाइट, लिखेगा क्या? ग्रे। तो आपको ऐसे ही पूछा गया है, रिएक्शन कराया तो ग्रे प्रोडक्ट मिलेगा, व्हाइट प्रोडक्ट मिलेगा, ब्लैक प्रोडक्ट मिलेगा। तो भाई व्हाइट और ब्लैक दोनों मिल रहा है इसलिए हम ग्रे बोलते हैं। इसमें व्हाइट मिल रहा है और इसमें ग्रे मिल रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का फायदा जो बाद में चैप्टर पढ़ेंगे और रिएक्शन भी होगा। लास्ट बात को कॉपी कर लेना, समझ लो। लास्ट स्टेज इज कॉल्ड एस्टर रिएक्शन। ये आपका अमोनिया की टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इट गिव्स Hg2NH2I+KI। दिस ब्राउन कलर का पैसिव also called iodide of Dillon's ring, is it?
सर वो ब्राउन पीपीटी के नीचे क्या लिखा है? सर 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 वो लास्ट में ब्राउन पीपीटी के नीचे क्या लिखा आपने? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ओके अगर वो लोग जो पूछा जाए डीकंपोजिशन बिकॉज हाइड्रोजन अनस्टेबल कंपाउंड कलरलेस है बिकॉज अमोनिया से डिराइव है, पंजेंट है बिकॉज अमोनिया से डिराइव है, पॉइजनस है बिकॉज अमोनिया से डिराइव है, बेसिक है बिकॉज अमोनिया से डिराइव है, सलीबल बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग क्योंकि अमोनिया से डिराइव है। सब अमोनिया वाला टॉपिक है। एसिड के साथ इज सॉल्ट राइट वाला कॉलम हो गया नहीं रेस करता हूं फिर
सर वो लास्ट टू रिएक्शंस क्या लिखे आपने? लास्ट टू रिएक्शन में N2H4.H2O4 एडिशन प्रोटोकॉल है और ये एनपीएस बन रहा है, नाइट्रोजन बन रहा है और वो एनपीएस अभी बताते हैं क्या है। अच्छे से आती है उसे लिख के हाईलाइट करो ताकि सामने वाले का अट्रैक्शन को ही बने, ठीक है? और जो आपको नहीं आता है, जहां पे आपको स्टफिंग करनी है, उसको ऐसे ही डालते जाओ, उसमें कुछ मत करो। जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट है ना, उसको जरूर बोल्ड करो, क्योंकि पब्लिक की नजर सबसे पहले उसी चीज पर पड़ने वाली है जिसे आप हाईलाइट कर रहे हो। नहीं आता और लगे बोल्ड करने में, फिर आप बोल्ड ये वाला पार्ट कॉपी हो गया है वाला। एकदम स्ट्रेट दिखे इसके लिए क्या करें? सिंगल हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन गिव्स अस एसिडिक प्रॉपर्टी, याद रखिएगा पूरी केमिस्ट्री में एक ही हाइड्राइड है नाइट्रोजन का जो एसिडिक होता है, अदरवाइज नाइट्रोजन के हाइड्राइड बेस भी है। हाइड्राइड जो कैसे नाम भी लिखा है, प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्शन यूज कर रहे हैं आप जरा देख लीजिए, बाय प्रोडक्ट इजीली आप क्या निकाल सकते हो, चल निकल जाएगा आफ्टर रिमूविंग दिस व्हाट Na(N)3। हमें क्या चाहिए? N3H। हाइड्रोजन लाना है, सोडियम हटाना है, सोडियम हटाना है, सोडियम बेसिक होता है, क्या कर रहे हैं एसिड डाल दें, हमने एसिड डाल दिया सिंगल प्रिपरेशन है, इसके अलावा हमने क्या और रिएक्शन, तो यहां जो थी वो प्रिपरेशन कलरलेस पंजेंट एसिडिक सॉल्युबल लीनियर। अब क्योंकि ये एसिडिक है तो मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, मेटल बेसिक होता है, बाय प्रोडक्ट लेके क्या निकाल सकता है HNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट करता है और बन गया AgNO3।
फॉर्म इज कॉल्ड अजाइड, सिल्वर का अजाइड, मैग्नीशियम अजाइड। गाइस कॉपी हो गया? हाँ सर। अभी ठीक है ना? बस वही चल। इरेज करूं मैं? यस। फाइन। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है अभी? हाँ सर। चलो, आफ्टर हाइड्रोजोइक एसिड नाइट्रोजन फैमिली के दो कंपाउंड्स बचते हैं नाइट्रोजन के, वन इज HNO2 एंड सेकेंड इज HNO3। दोनों में बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली हैं, तो रिएक्शंस के सारे रूल्स वही होंगे जो हाइड्रोजन में बताए थे। तो प्लीज अगर आपके पास नोटबुक है तो आप हाइड्रोजन वाले रूल्स खोल के रखिए, रिएक्शंस आपको खुद से ही करनी है। दो तरीके की रिएक्शन होंगी, आइदर डबल डिस्प्लेसमेंट और सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग यानी रिडॉक्स वाली। रिडॉक्स के रूल्स आपको लिखे हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है?
चलो देखो जरा, आपको ये पहली तीन रिएक्शंस खुद से करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस, सेलिबल, वीक एसिडिक, अनस्टेबल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको लैब में कभी भी HNO2 देखने को नहीं मिलेगा। क्यों HNO2 नहीं मिलता आपको? क्योंकि HNO2 को आप बना करके रखोगे डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, बिकम HNO3 एंड NO, तो खुद ब खुद HNO3 बन जा रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों बोल रहे हैं? देखो +3 बनाया था, +5 और +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मींस ऑक्सीडाइज एज वेल रिड्यूस, गॉट इट? देन HNO2 इज कलरलेस, व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ डाइमैग्नेटिक। बट समटाइम्स क्या नोटिस किया हमने कि HNO2 को हम हीट करते हैं, इट गिव्स ब्लूइश कलर, मतलब ब्लूइश में इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा पेल ब्लू, लाइट ब्लू कलर का कलर आ जाता है। आपसे पूछते कलर कैसे दे सकता है N2O3, तो N2O3 कलर दे रहा है बिकॉज ऑफ मिक्सड ऑक्साइड नेचर। लुक, N2O3 इज अ मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2, तो अगर समटाइम्स कलर दिखा रहा है ना, तो दैट कलर इज बिकॉज ऑफ NO2, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, नॉट N2O3। N2O3 इज कॉल्ड मिक्सड ऑक्साइड, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है? तो आप ये करिए, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ साइड में, आपको खुद से रिएक्शन कम्प्लीट करनी है गाइज। सर वो सिक्स्थ वाला नहीं दिखे। सिक्स्थ वाला क्या? नहीं दिख, दैट इज बी। हाँ, दैट इज डिस्प्रॉप। अच्छा, नहीं दिख रहा है, सॉरी बी, नो यहां सब में देने वाला है ये। रेस्ट क्या बनेगा? दैट इज बाय द रूल, आपको लिखाया था रूल्स, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट्स अ सेकेंडरी प्रॉपर्टी। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं? इसका नेचर नहीं है, सामने वाला ज्यादा पावरफुल हो गया तो इट बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे केस में इट गिव्स अ फिक्स्ड बाय प्रोडक्ट, दैट इज HNO3। बाकी क्या बनेगा? बाय द रूल। स्टार्ट करिए बनाना, दोनों तरफ की रिएक्शंस कंप्लीट करिए। इसको देख रहे कौन है? हमने म्यूट कर दिया था ना, बच्चों ने बोला तब याद है, नहीं म्यूट हुआ अभी। मैं
बन गए प्रोडक्ट सारे, मैं बना रहा हूं, आप एक बार वेरीफाई करो आपकी रिएक्शन सारी। पहले में देखिए, अगर इनमें से पूछा जाए बेस्ट प्रिपरेशन कौन सी है तो ये वाली है। रीजन समझ लीजिए, किसी भी रिएक्शन में अगर बेरियम सॉल्ट बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका रिमूवल, उसका सेपरेशन ऑलवेज इजी, मतलब बाकी में से सॉल्ट को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। आपको याद हो शायद एस ब्लॉक में पढ़ा था बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, याद आ रहा, BSO4 इनसॉल्युबल, तो आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो, भाई ये तो एसिड है तो सॉल्युबल होगा, ये इनसॉल्युबल है, यू कैन इजीली सेपरेट आउट। कलरलेस सॉल्युबल, वीक एसिडिक, अनस्टेबल, ये सब बता चुका था। ऑक्सीडाइजिंग पे आते हैं, यहाँ सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, CDS बिकम CDSO4, PBS बिकम PBSO4, H2S गिव्स सल्फर, सल्फाइड गिव्स सल्फेट, हैलाइड गिव्स हैलोजन्स। आई थिंक सबका राइट होगा, सी डायरेक्ट रिएक्शन है सारी। H2S इज ओनली एक्सेप्शन, सल्फाइड विद गिव्स सल्फर ओनली, एक ही केस है जहां पर आपको सल्फाइड गिव्स सल्फर मिलता है, अदरवाइज ऑलवेज सल्फाइड गिव्स सल्फेट। अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लो कर लेना बोलते बोलते पता ही नहीं चलता, कभी कभी बहुत ज्यादा ही फास्ट हो जा रहा है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के नीचे लिखा है 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका इटसेल्फ प्रॉपर्टी है, पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो तब शो करेगा जब सामने वाला ज्यादा पावरफुल। इट इज सिमिलर कि लाइक मैं बड़ा पावरफुल हूँ, कब तक, जब तक सामने वाला कमजोर है। सामने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ तो फिर मैं कमजोर, ये वैसे ही है। क्लोरीन वाटर, अगेन आपको जो रूल्स मैंने लिखाए थे उसको रिवर्स करना है। हैलोजन गिव्स हैलाइड, याद आया। ओजोन तो बेचारा O2 के अलावा कुछ दे नहीं सकता, गरीब टाइप है वो। KMnO4 H2SO4 स्टैंडर्ड रिएक्शन, हमेशा यही देता है।
चलो गाइज नेक्स्ट कंपाउंड इज HNO3। This is aqua fortis. Common name is aqua fortis. Iska meaning is strong water. Preparation nahi balki manufacturing bolenge. Birkeland Ides process. Nitrogen, oxygen, 1100 degree Celsius pe it gives NO. Which on cooling gives NO2. NO2 treated with water to give some mixture. So this is old process but not efficient because it gives mixture. Now the modern process is Ostwald process. NH3 plus O2 gives NO plus H2O. Platinum catalyst hai. कूलिंग किया इट गिव्स NO2 एंड आफ्टर हीटिंग विद ऑक्सीजन टू गिव्स N2O5 दिस N2O5 ट्रीटेड विद वाटर टू गिव्स HNO3 तो ये एफिशिएंट प्रोसेस है बिकॉज यहाँ सिर्फ HNO3 बन रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए अगर हम इसकी तो अगर ये एनहाइड्रस है मतलब प्योर है कलरलेस ऑडरलेस सलेबल अगर आप इसे हीट करते हो तो इट गिव्स N2O5 प्लस वॉटर HNO3 बहुत पावरफुल एसिड है इसलिए इसे हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इसकी यूज करते हैं वेरी डाइल्यूट डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वेरी डाइल्यूट बोलते हैं तो 7-10% डाइल्यूट बोला तो 20% और कॉन्सेंट्रेटेड बोला तो 70% होता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमें हर मीडियम में मिलती है अगर आपने डाइल्यूट एसिड यूज किया है तो बाई प्रोडक्ट में NO वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन आता है कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया है तो NO2 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन आता है मतलब डाइल्यूट एज वेल कॉन्ग दोनों में ही शो करता है मैं रिएक्शन वही लिख रहा हूँ जो पहले लिखी थी पर ये ज्यादा पावरफुल है तो पूरी पीरियोडिक टेबल के साथ रिएक्शन कर सकता है ये और मैं कॉन्क वाला यूज कर रहा हूं तो बाई प्रोडक्ट आपका NO2 और वाटर इज कॉमन फॉर ऑल द रिएक्शन बाकी क्या बनेगा वो आप बताएंगे स्टार्ट कर सकते हैं आप कहां से आ रही है यार ये तो तुम्हारा पढ़ा होगा ना तो तुम्हें सब आता होगा क्यों आता है कि नहीं आता सब
रिएक्शंस कंप्लीट हुई क्या? क्यों भाई? यस ठीक है, चलो करते हैं। NO2 वाटर कॉमन है, यहाँ पर PbSO4, CdSO4, सल्फर, बोरॉन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का एसिड, फॉस्फोरस नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का एसिड, सल्फर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का एसिड, SO2 सेम एसिड। कॉपी करिए, इसके आगे का लिखता हूँ मैं लेफ्ट। देखिए जरा, नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी है पूरी केमिस्ट्री में, ओनली टू मेटल्स Mg एंड Mn विद रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट कंडीशन में गिव्स नाइट्रेट्स ऑफ Mg और Mn+2 का अलोंग विद हाइड्रोजन, जिंक FeSn वेरी डाइल्यूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट के साथ N2O, कॉन्ग के साथ NO2, साथ में जो नाइट्रेट्स है वेरी डाइल्यूट और डाइल्यूट में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, आप देख लीजिए कॉन्ग में हायर ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर सिल्वर लेड और मर्क्यूरी डाइल्यूट में NO, कॉन्क में NO2, कॉपर का फिक्स है ऑलवेज 2, सिल्वर का फिक्स है ऑलवेज +1, लेड का ऑलवेज +2, मर्क्यूरी का चेंज हो रहा है, डाइल्यूट में 1 और कॉन्क में 2 है। आयन क्रोमियम एल्यूमिनियम कोबाल्ट निकिल एक्सेट्रा ये रिएक्शन नहीं करते क्योंकि पैसिव हो जाते हैं, गोल्ड प्लेटिनम रोडियम एक्सेट्रा रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनसॉल्युबल होते हैं। करिए कॉपी इसको। सर वो Hg डाइल्यूट में 1 है। हाँ, डाइल्यूट में 1 दे रहा है मर्क्यूरस।
जो इनसेलेबल हैं वो एक्वारेजिया में सेलेबल होते हैं, और एक्वारेजिया HNO3HCl है। आप देख पा रहे हैं NOCl वाटर और नेसेंट क्लोरीन बनता है, विच रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म ऑरिक क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। वो HCl के साथ सेलेबल होकर के कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो राइट कॉर्नर पे मैंने वही दिखाया, गोल्ड यूज करोगे या प्लेटिनम यूज करोगे तो एसिड्स बन रहे हैं। कर लीजिए कॉपी से भी। सर वो ये ऑप्शन में AUPT के बाद क्या दिख रहा है? क्या पूछ रहे हैं सर? वो ई ऑप्शन में क्या दिख रहा है, इस बार पढ़ेंगे। गोल्ड, प्लेटिनम, रोडियम एक्सेट्रा, नो रिएक्शन ड्यू टू इनसेलेबल नेचर। उसी इनसेलेबल को मैंने एक्वारेजिया से बताया आपको। ओके सर, थैंक यू। सर वो H2PTCl की क्या चीज बोल रहे हैं सर? वो एक्वारिया में पीटी के साथ H2PTCl6। हो गया कॉपी? हाँ सर। ठीक है,
नाइट्रोजन फैमिली से नाइट्रोजन फिनिश हुआ है, अभी फॉस्फोरस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर आप म्यूट पे हो। देखिए फॉस्फोराइट और बोन ऐश कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोएपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड 3:1, फ्लोरोएपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम फ्लोराइड 3:1। एक्सट्रैक्शन में हमारा ये ओल्ड प्रोसेस है जहां पर हम एसिड डालते थे, H3PO4 मिलता है, हीट करने से HPO3 और कोक से रिड्यूस किया तो P4 मिल जाता है। ये जो P4 हमें मिल रहा है, दिस इज व्हाइट कलर का फास्फोरस। मॉडर्न प्रोसेस वन स्टेप, कोक प्लस सिलिका के साथ हीट किया, व्हाइट फास्फोरस मिल जाता है। व्हाइट फास्फोरस लाइट की प्रेजेंस में येलो हो जाता है, इनर्ट कंडीशन में टेम्परेचर दोगे तो रेड, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों दोगे तो ब्लैक। व्हाइट और रेड में डिफरेंस देखें अगर हम तो व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, व्हाइट पंजेंट है, ऑडरलेस, पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव, सेलेबल इन NaOH है, इनसेलेबल। इट शोज कैमी ल्यूमिनिसेंस, मतलब डे में लाइट को एब्जॉर्ब करना और डार्क में ग्लो करने की प्रॉपर्टी है व्हाइट फॉस्फोरस की, जो रेड की नहीं होती है। W फॉर व्हाइट, R फॉर रेड, करिए कॉपी इसको।
हो गया, कॉपी सबका हो गया है? हाँ सर। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं हम? हाँ सर। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस इटसेल्फ रिएक्टिव है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बहुत आसानी से विदाउट हीटिंग भी ये रिएक्शन कर लेता है। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग है तो फॉस्फोरस का एसिड बना देगा, अभी अभी हम लोग ने प्रीवियस उसमें पार्ट में देखा था। H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग है तो उसका एसिड बना देगा। कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में इसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर को रिड्यूस कर दिया Cu, Ag को रिड्यूस कर दिया Ag, बचा H2SO4 HNO3, नोट कर लीजिए। कॉपी हो गया गाइस? हाँ सर। ठीक है, ये हाँ करते रहिए, सुन लीजिए। फास्फोरस किया है, नेक्स्ट पे पीएच थ्री करना है, तो चैप्टर में कुछ 20% पार्ट रह गया है, आप मॉड्यूल ट्राई कर सकते हो अभी। ठीक है, आप मॉड्यूल ट्राई करके रखो, नेक्स्ट पे ये लेक्चर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली का, फिर आगे हम ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी सर, लास्ट लेक्चर आपने कुछ रिएक्शन दिए थे, आपने बोला था आप डिस्कस करोगे। आप बोलो एक एक करके रिएक्शन बताओ मुझे, क्या मैं लिखता हूँ बता देता हूँ। सर NH4Cl को NaOH और PbO से रिएक्ट करवाना था। हाँ ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को आप NaOH और PbO से रिएक्शन कराओगे तो कोई भी एल्कली डालने से अमोनिया फ्री हो जाती है, तो NH3 फ्री हो गया। अब जो बच रहा है NaCl और हाइड्रोजन बच रहा है तो वाटर, PbCl2 हाइड्रोजन बच रहा है तो वाटर, ये हो गई। और बोलिए। यूरिया प्लस NaOH। हाँ, यूरिया में आप NaOH डालोगे तो यूरिया का जो एसिडिक पार्ट है वो CaO से कंबाइन करके सॉल्ट बना देगा और अमोनिया फ्री हो जाएगा। और बोलिए। हाँ सर। ठीक है, अब बाकी का पार्ट नेक्स्ट पे करेंगे। ठीक है, चलिए गए। हाँ जी सर, वो व्हाइट से रेड बनाने में टेम्परेचर क्या है? इनर्ट कंडीशन। ओके सर, थैंक यू।